मित्रों, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हमने कई मैनेजमेंट गुरुज को सुनते हुए बोलते हुए सुना है कि हमारे यहाँ का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जाता है, अच्छा ब्रेन हमारे यहाँ से बाहर चला जाता है, और वो ब्रेन की जो शक्ति है या वो क्या कारनामे कर सकते हैं, क्या करामात कर सकते हैं, वो हमें भारत देश को नहीं मिल पाता है। लेकिन आज मेक इन इंडिया के तहत हमारे बीच में है आर्यन मिश्रा जी, जिनका खुद का एक स्टार्टअप है रोबोटिक्स को लेकर, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये ड्रोन्स वगैरह बनाते हैं, जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स है या छोटे मोटे। ओके, तो हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आइडिया आया और क्यों इस कॉन्क्लेव में आने का इनका मकसद क्या है, क्या मोटो है। हेलो सर, और हमारा जो स्टार्टअप है वो रोबोटिक्स बेस्ड स्टार्टअप है। हम इनोवेशंस करते हैं, मेक इन इंडिया के तहत हम खुद से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हम काफी कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर ड्रोन रेडी कर रहे हैं, जो कि एवरेज फार्मर भी उसे अफोर्ड कर सके। हमने यहाँ पे एक स्मार्ट डिवाइस रेडी किया है, जिसके थ्रू आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से अपने वाटर पंप्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं एक मिस कॉल या फिर एक SMS से। हमारा खुद का एक पर्सनल प्रॉब्लम है कि रात में जो हमारे घर के दादाजी लोग हैं वो दूर दूर तक जाते हैं वाटर पंप को ऑन करने ऑफ करने, उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमारा यहाँ पे RIC और रीजनल कॉन्क्लेव जो हो रहा है उसके थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिली रिप्रेजेंट करने के लिए, अपनी एक नेटवर्किंग करने के लिए। CM सर का जो इनिशिएटिव है काफ़ी अच्छा है, जिससे कि हम अपने आसपास की जो जैसे हमारे आइडियाज़ है हमें थोड़ा उतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसी चीज़ों से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। हम अपने नेटवर्किंग के लोगों से जुड़ रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाले पर्सन आ रहे हैं जो कि हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि यार हम फ्यूचर में आपके साथ काम करेंगे, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि CM सर के थ्रू यहाँ पे किया जा रहा है, प्लस अपने विंध्य क्षेत्र को प्रमोट किया जा रहा है, अपने MP को डेवलप किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसी की तरह हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे रेडी हैं, इसे हमें पेटेंट करना है और उसके बाद मार्केट में हम लॉन्च कर सकते हैं मेक इन इंडिया में काफ़ी कम कॉन्सेप्ट में और पूरा कम्प्लीटली मेड इन इंडिया के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, हर कोई चाहता है कि उनकी नेटवर्किंग हो, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। तो आर्यन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने इस क्षेत्र में बहुत तरक्की करें। धन्यवाद।